क्लासिक ड्रिप है, कोई इसको क्लास ऑफर करना है? अब इसके अंदर एक और ड्रिप है, कोई मैटर लिखना है इसमें? ऑटोमेटिकली 100% होती है। कुछ हाइट ऑफर करना है इसको? उसमें जो हाइट देते हैं ना, जैसे आप इसको ईएम में दे दो और फिर हटा दो भैया, ठीक है? फिर ऑटो कर दो, हटाई दो फिर हटा दो, फिर मार्जिन का भी काम भी इसको हटा दो। हाँ, और इसकी हाइट कर दो, वन ही है अभी, 100 कर दो, ये पार्ट अभी भी दिखाई दे रहा है। और margin from top right, क्या लिख दें? 1 em, ठीक है, हमने मेंशन कर दिया। ये किस बेसिस पे जो मॉडल ये आ रहा है, किस बेसिस 1 em हुआ? हाँ, मतलब क्या हुआ, ये कितनी हाइट हुई है, कैसे हुआ? तो उसको आप यहाँ जाओ, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, कंटेनर वो है टेबल, कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। तो 1 em हो या 1 rem हो, अभी के लिए सब कुछ जो आपको 16 के अगेंस्ट ही कंसिडर होगा। मैंने मतलब तो क्या हो रहा था सर, कि जैसे जो मैंने आउटर डिप को वो दी हाइट, हाँ, और अगर मैं नीचे 1 em देता हूँ तो हाइट क्या हो रही थी, जो आउटर डिप की है और जो इनर की है वो दोनों सेम हो रही थी, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा था अपर, मतलब पेरेंट की हाइट से। अगर मैं 2 कर रहा था तो उसकी डबल हो जा रही थी, 3 कर रहा था 3 ठीक है। अभी ये 16 पर ही काउंट कर रहा है। आई ईएम ट्राई किया था, आरईएम ट्राई किया था, आरईएम तो फिर मुझे पता था मुझे कैसा इस पे क्या हो रहा है। और लेकिन सेम चीज़ अगर मैं विड्थ में कर रहा था उसकी, तो वो अपने ही कोड के अंदर जो हमने उसकी वो दे रखी है फॉन्ट भी गया सेकंड टाइम, तो मैं फिर कोड लेके आऊँ तो ज़्यादा एक चीज़।
चीज ध्यान देना कि तुमने क्या ओवरऑल बॉडी को कोई दिया था साइज वगैरह ओवरऑल बॉडी को नहीं उस पर तो कुछ कोड नहीं आता ना ये फिर तो यही आना चाहिए बाय डिफॉल्ट अगर 16 इंच चलना चाहिए क्योंकि ई एम हो आर ई एम हो ई एक्स हो बाई डिफॉल्ट ये 16 को ही कंसिडर करते हैं बार फाइल शेयर करने के साथ फिर देख लो सिक्स कंडा पे कैरी कर लेंगे ये भी हो सकता है कुछ डिफरेंट ट्राई किया लेकिन मैंने सुना था आपने ये दिया ना मार्जिन वगैरह पैडिंग में कुछ नहीं दिया था चलो मार्जिन हटा दे और आउटलाइन भी देखो ना वो दिया था बॉर्डर ठीक है बॉर्डर कर लेंगे पैडिंग बता दो और कुछ बंद करना है एडिट इसलिए हो गई क्योंकि तुम्हारा ये एक बार से फिर टेक्स्ट कॉल जो टेक्स्ट करा टेक्स्ट साइज को सेट करना मतलब आउटपुट को क्या करना है टेक्स्ट साइज बाहर रखूं बाहर वाले को टेक्स्ट को साइज दो अच्छा इसको हाँ क्या डाल दो तो कुछ नहीं रख दो 20 पिक्सल और जो इनर वाला है उसको टेक्स्ट को 1 ईएम कर दो अच्छा सेम आता है सेम है और उसको 2 कर दो अंदर वाले एक बंद तो बंद कर दो इसको 2 कर दो हाइट में तो कुछ नहीं करना नहीं कुछ नहीं करना ठीक है दोनों को ले सकते हैं क्योंकि हमारा दोनों चीज़ एक ही में है ना हमारी दोनों चीज़ एक ही के अंदर है इसलिए दोनों पर अच्छा नहीं मैं कह रहा हूँ आउटर डिप के एक टेक्स्ट दो आउटर डिप को क्या कर दूँ एक बार बोल दूसरे स्टेबल वाली अच्छा ये सॉरी हाँ इस पर यहाँ टैक्स यहाँ रख दूँ हाँ ठीक है ये क्या रख लेते इसके लिए देते हैं एग्जाम्पल साइड एग्जाम्पल आउटसाइड चेक करता है जो आउटसाइड वाला है उसका डबल हो गया इनसाइड वाला अब जरा इसका वैल्यू चेक जैसे हमारे इसका फ्रंट साइज कितना रहा है 47 पिक्सल्स और इस वाले का मैं कुछ देख रहा 91 ठीक है तो 47 का हमारा जो डबल हो रहा है वो हमारा 97 तो नहीं होता सॉरी 91 आ रहा है ना हाँ ठीक है और यहाँ पर हमारा जा रहा है ये 47 आ रहा है तो यहाँ पर क्या है हम लोग ओवरऑल पूरे डिप को यहाँ पर बोल रहे हैं कि भी इसका साइज ये हो जाए ठीक है तो अब इससे क्या होगा इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे या जो भी टेक्स्ट होगा सबका साइज होगा वो ई एम के अंदर काउंट होगा तो ये जो आपने काम यहाँ पेरेंट वाले के साथ किया ना जनरली ये जो चीज़ें हैं हम लोग ट्राई करते हैं बॉडी के साथ ओवरऑल बॉडी को हम लोग कैलकुलेट करके लेके चलते हैं ठीक है तो पेरेंट जिप पर नट करके इसको हमेशा बॉडी पर लगाया जाए तो जैसे बड़ी बड़ी जितनी वेबसाइट्स मिलेंगे आपको वो पुरानी वेबसाइट से जिन पर लगे हुए लेटेस्ट जितनी वेबसाइट आप देखो तो आपको ई एम ई आर ई एम मिलेगा क्योंकि आर ई एम इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस सो जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ ये मेरा एक टेक्स्ट मुझे यहाँ मिल जाना चाहिए यहाँ पर जैसे सर डिलीवरी वाला लिखा हुआ सर जो उसमें ऊपर लगा रखा है वो है ना कौन सा ये सर्च बार में ये एनिमेशन ये बंद आता है इसको यहाँ पर जाओ तो यहाँ पर हमारा जो फॉन्ट साइज है वो कितना आ रहा है 18 ठीक है हेलवेटी का फॉन्ट वगैरह लगा हुआ है अब अगर मैं बॉडी को टारगेट करूँगा यहाँ पर क्या देख रहे हैं फॉन्ट साइज कितना चल रहा है 12 पिक्सल जैसे मैं यहाँ से इसको बंद करूँगा ठीक है मैंने कोई हल्का फल्का चेंज पे अपडेट होता है अगर नहीं अब चेंज करो बात अलग है
क्लास ब्लैंक छोड़ा हुआ। जैसे एग्जांपल यहाँ पर फॉन्ट साइज 13 पिक्सल, क्या करता है पूरी ओवरऑल बॉडी को ना एक साइज ऑफर किया हुआ है 12 पिक्सल वाला, जिसकी वजह से ना ये 13 से 12 हो गया। अभी जो इसका फॉन्ट साइज आ रहा है 12 आना चाहिए। अगर देखो फॉन्ट 12, तो अक्सर ना बॉडी को भी डिफाइन किया जाता है कि हमें ओवरऑल बॉडी का साइज क्या रखना है, तो कई बार आपने बढ़ाना है बढ़ा लो, उसके बाद जिस पे नहीं है डिफाइन किया वो ऑटोमेटिकली लेस हो जाता है। एक जैसे जोमेटो में भी मैं ये प्रैक्टिस देखने मिली हुई zomato.com, तो ये जो आपने पैरेंट डिप के साथ किया ना वो एंटायर बॉडी के साथ किया, जैसे ऑर्डर ऑनलाइन यहाँ पर देखो बिरयानी टेक्स्ट में लिखा है, उस पर राइट क्लिक करो इंस्पेक्ट, का जो फॉन्ट साइज है वो 20 पिक्सल। ठीक है, क्या लगा हुआ यहाँ पर आ रही है। ठीक है, अब ये जो फॉन्ट साइज हमारा छोटा हो गया, तो यानी कि अगर मैं बॉडी टाइप को टारगेट करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर इन्होंने कहीं ना कहीं देखो मेंशन कर रखा होगा बॉडी टाइप का, क्या तो यहाँ पर देखो ये इन्होंने क्या करता है पूरे बॉडी के फॉन्ट साइज को परसेंटेज में इन्होंने काउंट कर लिया। तो अगर मैं इसको यहाँ से रिलीज करता हूँ तो देख रहे हो फॉन्ट साइज एक्चुअल में इनका क्या चल रहा है, ये पूरी बॉडी को ही जूम आउट करके चल रहा है इसके अंदर, बट एक्चुअल जो फॉन्ट है वो ये है। तो देख रहे हो फॉन्ट साइज से पूरा का पूरा क्या होता है आपका व्यू पॉइंट ही हैंडल हो जाता है कि हमारा पेज कितना जूम हो गया जूम आउट होकर दिखाई देगा इसके अंदर, एक ही जगह से सारा कंट्रोल। बट आपने आरएम या ईएम ये चीज़ें ट्राई नहीं करना है, लेटेस्ट मॉडर्न प्रैक्टिस जितनी भी वेबसाइट आप चलाओगे सभी के अंदर आपको जो देखने के लिए मिलेगा वो आरईएम मिलेगा। आरईएम क्या होता है कि जो भी बॉडी का आपने रख दिया साइज उसका रिलेटिव होकर चलेगा। ठीक है, यानी कि जो भी बॉडी का साइज लाइक 12 में आपने लिखा 20 मतलब 2 आरईएम, तो वो 12 पिक्सल के अकॉर्डिंग हो गया। यानी कि बाय डिफॉल्ट मुझे पता है मेरा आरईएम होता है 16 पिक्सल का, लेकिन अगर मैंने बॉडी का 12 कर दिया तो मेरा अब आरईएम जो 16 काउंट नहीं करेगा 12 पिक्सल काउंट करके अपने साइज को मल्टीप्लाई करेगा। ये इसका लॉजिक होता है, तो आप किसी भी यूनिट को इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि मेरे को 16 का कैलकुलेशन नहीं चाहिए, मेरे को डिफरेंट कैलकुलेशन में जाना है, तो बॉडी को जाके एक साइज ऑफर करके आ जाओ, तो 16 से कैलकुलेट होना स्टार्ट होगा ये सिस्टम। तो जैसे अगर और भी हम लोग कुछ एग्जांपल लें, स्विगी पर राइट क्लिक, अगर इन्होंने वॉल्यूम कर रखा होगा तो देखते हैं इंस्पेक्ट क्लिक करो, यहाँ पर थोड़ा वेट करो। ये अपना H1 हो गया। तो इस पर जो फॉन्ट साइज हमारा अवेलेबल है वो है 48 पिक्सल। तो अगेन यहाँ भी बॉडी के साथ कुछ ना कुछ कलाकारी की बॉडी पर चाहिए, पर मार्जिन पैडिंग पूरे बॉडी को एक साथ फॉन्ट सेट कर दिया गया यहाँ से। ठीक है, जो भी सब्सिट्यूट फॉन्ट हो सकते हैं ग्लोबल के अंदर फॉन्ट फैमिली वगैरह ये सारा चीज़ हैंडल किया हुआ है, मार्जिन हमारा बॉडी में सेट किया हुआ है, और क्या नीचे ये इन्होंने एज ए इमेज यूज़ किया है इसका।
इमेज ही जूम आउट करके लगाई गई है। तो इमेज में ना एक प्रॉपर्टी आती है एक्सपेक्ट रेशियो की, ये देखो यहाँ लगी हुई है, और नीचे आते हैं यहाँ पर टेक्स्ट सेलेक्ट होगा। ये देखो इन्होंने क्या करा, पूरा का पूरा फॉन्ट साइज कहाँ जाके सेट किया, रूट के ऊपर सेट किया है। रूट पे क्या लिख दिया, आरियम। हाँ, ये आरियम में ये याद किया था, रूट को टारगेट करता है ये, तो यहाँ पर मेंशन। तो रूट पे लिखने से फायदा क्या हुआ कि जितनी भी जगह पर हमें विड्थ हाइट चलाने वाला हूँ आरियम के अंदर, वो सब 16 ही रहेगी। जिन्होंने मतलब पूरा ग्लोबली काम कर दिया, किसी भी चीज़ में जाओगे हर जगह 16 ही कन्वर्ट होगा। तो बूटस्ट्रैप जो चलती है ना पूरी की पूरी, वो आरईएम में चलती है। उधर हमने डिस्क्राइब करने की जरूरत है, कुछ नहीं, सब कुछ पहले से सेट है। ये रिस्पॉन्सिव बनाने का काम करती है। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ से तो आप यहाँ देखो कोई भी वैल्यू अगर लिखी नहीं होगी तो आरईएम में आएगी। कुछ भी जो भी आप देखोगे, पैडिंग हो, मार्जिन हो, हर एक चीज आ रही है उसकी। इसलिए ना मैंने आपको ज्यादा फोकस यहाँ पर आरईएम वगैरह पर कराया नहीं, क्योंकि ना लेटर ऑन चीजें डिस्कस होने वाली है। एक चीज बस ध्यान रखना कि बाय डिफॉल्ट जो हमारा फॉन्ट साइज है भूलना नहीं है, वो हमारा 16 ही होता है, सोच है कोई भी। अटेंडेंस तो नहीं रहा किसी का, सभी का हो गया जी। तो डिजाइन वगैरह मैंने कुछ पीडीएफ सॉरी पीएचडी के फोल्डर दिया था, कितने बनाए, कितने लोगों ने कुछ बनाया, नहीं बनाया बना मैंने, स्पीड डिस्टर्ब करो उसको पहले पूरा कर लो, वो ज्यादा जरूरी है। सर मैंने ना वेब टेम्पलेट का फोल्डर दिया था, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं। अगर आप उनको कंप्लीट कर रहे हो तो बहुत सारे नंबर ऑफ डाउट्स आपके वहाँ से रेज होंगे, ठीक है। कंप्लीट करते हैं